मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के चाठा गांव के सरपंच बहादुर सौंधिया ने समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करवा गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। यहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी की शादी गायत्री मंदिर से होना थी। जब इस बात का पता उसकी ससुराल वाले गांव के सरपंच को लगा तो सरपंच ने उसे धर्म बहन बनाकर धूमधाम से उसकी शादी कराई। इस दौरान करीब 4000 लोगों को भोज भी दिया गया। दरअसल नरसिंहगढ़ तहसील के करवा निवासी दिनेश शर्मा की बेटी वर्षा की शादी ब्यावरा के चाठा निवासी रामदयाल शर्मा के बेटे मुकेश से तय हुई थी। दिनेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये शादी खिलचीपुर के गायत्री मंदिर से आयोजित की जा रही थी। मकर संक्रांति पर वर्षा के परिजन चाठा गांव गए थे। चाठा के सरपंच बहादुर सौंधिया की मां शांतिबाई ने गांव में हो रही रिश्तेदारी के चलते वर्षा के परिजनों को अपने घर बुलाया। वहां वर्षा के परिजनों ने उन्हें गायत्री मंदिर से विवाह करने की बात बताई। इस पर शांतिबाई ने पूछा तो आर्थिक तंगी का हवाला दिया गया, जिस पर शांतिबाई बोली कि मैं वर्षा को बेटी बनाकर अपने घर से विदा करना चाहती हूँ। इसके बाद इस परिवार ने घर से ही इस बेटी की शादी की और खुशी खुशी विदा किया। मेरे पापा गायत्री मंदिर से हमारे शादी कर रहे थे। हमारी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर भैया को पता चला तो वो धर्म के भाई बनकर मेरी ऐसी शादी की। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे बेटी की शादी करते थे नी, उसी तरह से जमाई के लिए भी वही कोट पेंट वही जो अपना दूल्हा के घर के बेटा के दामाद के लिए करना था उन्हीं तरीके से शादी करी मैंने। वही उसका चुनने से उठ जो भी सामान मैंने बेटी को दिए वही सुनने की रकम, वही चांदी सुनने की जितनी भी रकम बनानी अपनी बेटी के बना वही सब बनाई मैंने। कान नाक के क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि हर भगवान ऐसा मौका दे मेरे बेटा को कि ऐसी आगे बढ़ा रहे ऐसी शादियाँ हर बार करे तो मेरे को मेरे जीवन में बहुत ही हम लोग मेरे मम्मी के पास में मकर संक्रांति के रोज़ जो हमारे गांव के पंडित जी है गांवठी जी उनके परिवार से महिलाएं और सब लोग आए हुए थे। तो इन लोगों ने मम्मी को बताया कि गायत्री मंदिर से खिलचीपुर से हम लोग बच्चों की शादी कर रहे हैं और आप सभी को आना है उसमें। तो मम्मी ने बताया कि यार मेरे फादर की स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी की भी दिली इच्छा थी कि मेरे घर से लड़की की बेटी की विदाई हो और मम्मी ने मुझे बताया कि यार मेरा ऐसा विचार है कि अपन शादी अपने घर से करें। तो मैंने तुरंत हाँ करा और पूरे व्यापक रूप से बड़ा करके इसको मैंने करा है, जिसमें सभी नेताओं को गांव वालों को सभी लोगों को 4-5 हज़ार लोगों का खाना रखे और पूरा व्यवस्थित तरीके से अपनी बहन की तरीके से विदाई की है मैंने।